एक बेटे ने अपनी माँ के ऊपर चाकुओं से वार किया और फिर चाकुओं के वार करने से खून की पिचकारियां निकलने लगी। उन पिचकारियों को हाथों में लेकर उस खून को पिया और अपने शरीर से वह बेटा लपेटने लगता है। दोस्तों, पुलिस भी देखकर कपकपा जाती है ऐसी घटना को। आखिर इस घटना में हुआ क्या है, इस घटना के बारे में पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है दिल्ली के मदनगिरी इलाके की। दिल्ली के मदनगिरी इलाके में एक सागर नाम का लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 22 साल और वह डीजे बजाया करता था नाइट क्लब में। नाइट क्लब में डीजे बजाकर अपना भरण पोषण किया करता था। उसके साथ उसकी माँ भी रहा करती थी और अब वह मदनगिरी इलाके में 1 साल से किराए पर रहा करते थे। उसकी माँ का नाम था अंजलि और दोस्तों अंजलि ज़्यादातर चुपचाप रहती थी। बहुत सारे लोगों का स्वभाव होता है चुप रहने का, ज़्यादा बकवास नहीं किया करते हैं। अब 1 साल उनको मदनगिरी इलाके में रहते रहते हो जाता है और जो उसकी माँ होती है अंजलि, वह किसी से बातचीत ज़्यादा नहीं करती है, अपने काम के लिए बाहर जाती है, काम कर लाती है, अपने घर में आराम से रहा करती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और दोस्तों वह जिस मकान मालिक के घर में रहा करते थे, मकान मालिक निचले वाले पोर्शन में रहा करता था और वो दोनों माँ बेटा ऊपर वाले छत वाले पोर्शन में रहा करते थे। तभी दोस्तों एक दिन क्या होता है, मकान मालिक को ऊपर वाले पोर्शन में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसको लगता है जैसे कोई डायन आ गई हो, जैसे कोई भयंकर कोई साया हो। तो मकान मालिक सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाता है और उस कमरे में झांक करके देखता है खिड़की से। तो जैसे ही वह कमरे के अंदर झांक कर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखता है कि सागर अपनी माँ अंजलि के ऊपर चाकू से पहले तो प्रहार करता है और जब प्रहार करने से वहाँ से खून की पिचकारी निकलती है तो उस खून को अपने हाथों में लगाता है, उसको अपने मुँह पर लगाता है, पीता है और अपने शरीर पर लगाता है। उसके बाद फिर से वार करता है चाकू का और फिर यही प्रक्रिया करता दोहराता है। दोस्तों यह देखकर मकान मालिक की हिम्मत नहीं होती है उससे कुछ कहने की और वह कपकपाता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरता है और आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करता है और सारी घटना के बारे में बताता है। और उस चौबारे में से, उस कमरे में से चीखने चिल्लाने की जोर जोर से आवाज़ें आ ही रही थी। लोग इकट्ठा होते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस को आने में 1 घंटा लग जाता है और इस 1 घंटे के अंतराल में कोई भी मोहल्ले वाला, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि उस कमरे के पास जाएँ और उस लड़के को रोका जाए। 1 घंटे के बाद पुलिस आती है, तब तक अंजलि मर चुकी थी तड़प तड़प कर और उसको तड़पता हुआ सारे मोहल्ले वाले सुन रहे थे। दोस्तों पुलिस आती है, उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है सागर को तुरंत। सागर की उम्र 22 साल होती है, उसकी माँ होती है अंजलि जिसकी उम्र 45 साल होती है। अब सागर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछती है तूने ऐसा कृत्य क्यों किया, अपनी माँ को जान से क्यों मार दिया। तो सागर कहता है कि मेरी माँ चुपचाप रहा करती थी और मुझे शक था कि इसके ऊपर किसी डायन का साया है, कोई प्रकोप है इसके ऊपर। उसके बाद मैं कुछ किताबें पढ़ता हूं तो मुझे पता चलता है कि जो लोग इस तरह से चुप रहते हैं उनके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई भूत प्रेत का साया होता है। और दोस्तों जैसे आदमी नींद में बुड़बुड़ा लेता है कई बार, इसी तरह से उसकी माँ अंजलि भी कई बार बुड़बुड़ाई थी रात में। तो इस बारे में वह पुलिस से कहता है कि कई बार मैंने अपनी माँ को रात को चिल्लाते हुए चीखते हुए देखा है, ऐसा तो भूत ही करते हैं। फिर मैंने किताब में पढ़ा था कि अगर इस कंडीशन में माँ को मार दिया जाए, उसके खून को अपने हाथों में लपेटकर अपने शरीर में लगाया जाए और उसको पिया जाए तो माँ भी स्वर्ग को जाएगी और मारने वाला बेटा भी स्वर्ग को जाएगा। इसलिए मैंने अपनी माँ को स्वर्ग पहुँचा दिया और मैं भी स्वर्ग जाऊँगा। दोस्तों पुलिस यह बात सुन करके उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल में भेज दिया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। ऐसा बेटा जिसको थोड़ी सी भी समझ नहीं थी कि आखिर तू कर क्या रहा है। कोई इंसान हंसने बोलने वाला ज़्यादा होता है, हंसमुख स्वभाव का होता है, कोई इंसान ऐसा भी होता है जिसको चुप रहना अच्छा लगता है। तो उसकी माँ चुप रहा करती थी, उसको लगा कि इसके अंदर भूत है, इसके अंदर प्रेत आत्मा है, इसको मारने पर ही काम बनेगा। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे उस बेटे के बारे में, उसने क्या ये काम जो कृत्य किया था ये सही था, क्या उसकी माँ के अंदर सच में ही भूत या आत्मा निवास कर गई थी जो वह चुप चुप रहती थी। तो आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे दरिद्र, ऐसे ऐसे दिलद्री बेटे भी हो जाते हैं समाज के अंदर, जिनके बारे में क्या तो कहें, क्या सोचें और क्या बात करें। तो दोस्तों यहाँ पे उस लड़के को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको कैसी सज़ा मिले। और ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर लेकर आता हूँ अपने चैनल पर, जिससे कि हम लोग कुछ सीखें, हमें कुछ अपने जीवन जीने की कुछ कला का पता चले और अपने जीवन में कोई ऐसी छोटी मोटी गलती ना करें जिससे हमारा जीवन बर्बाद हो जाए। तो दोस्तों अगर आपको हमारे ये प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं, थोड़े से भी आपको लगता है कि हम एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं समाज की दशा में कुछ नई चीज़ें सिखाने में, तो आप हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें,
हमें अपना सहयोग दें। हम समझेंगे आपने हमारा वीडियो शेयर किया है तो आपने हमें आशीर्वाद दिया है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें और लोगों को समझें, जांचें, परखें, तब जाकर कोई डिसीजन लें। जय हिंद, जय भारत।